हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। रिवीजन सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। जीओसी का वीडियो सबने देखा होगा, थोड़ी पेसियर ज़्यादा रही रिवीजन में, क्योंकि कंटेंट तो सारा ही लगभग रिवाइज कराना है। और अगर किसी को बहुत स्लो तरीके से देखना है तो यार फुल लेंथ लेक्चर्स देख लो। रिवीजन सीरीज में थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहनी भी चाहिए, क्योंकि तुम रिवाइज कर रहे हो, पूरा पढ़ नहीं रहे हो थरोली, है ना। तो थोड़ी स्पीड तो रहेगी। आज हम लोग आइसोमेरिज्म करेंगे। जीओसी और आइसोमेरिज्म को चाहता तो मैं एक ढाई घंटे का लेक्चर बना के उसमें रिवाइज करवा देता, लेकिन मैंने सोचा कि दो दिन रहेगा तो तुम रिलैक्स होकर कर पाओगे। कल यानी कि अगली तारीख को, 12 तारीख को तुम्हारे पास जीओसी, आइसोमेरिज्म और पीओसी के 2021 के पीवाईक्यूज का सेशन आ जाएगा। उसके बाद हाइड्रोकार्बन की एक क्लास आएगी, उसके बाद हाइड्रोकार्बन का एक सेशन आएगा। इसी सीक्वेंस हम लोग चलेंगे, पहले ऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। टेस्ट जितने लोगों ने परचेस किया था उन्होंने टेस्ट दिया होगा। टेस्ट थोड़ा सा मैं यार देखो अच्छे लेवल का ही बनाऊंगा, बहुत एकदम बेसिक बेंस लेवल का इसलिए नहीं बनाऊंगा, इस बारे में भी बात करनी थी। तो एक बार जब ऑनलाइन आएंगे, टेस्ट देते रहो, जब हम लोग मेंटरशिप सेशन में आएंगे तो फिर हम लोग एक बार ही इस बारे में बात करेंगे कि टेस्ट का लेवल क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, है ना, और क्यों जैसा लेवल है वैसा है। कैसा लगा टेस्ट देके ये जरूर कमेंट करना। इररिलेवेंसी की बात मत करो, क्योंकि तुम इरिलेवेंट कहने के लिए भी बहुत छोटे हो, है ना। मेरे हिसाब से चलो ज़्यादा ठीक रहेगा, मैं तुम्हारा बुरा तो कैसे भी नहीं करवा सकता यार, ये तो मेरे मतलब तरीका ही नहीं है काम करने का। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि अगर तुम टेस्ट में सब लोग 100-100 नंबर ले आओगे तो क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ नहीं सीखे। तो इसलिए टेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल मेंस से थोड़ा ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। जब एडवांस वाला करेंगे तब तो हमें लगेगा नहीं मेंस वाला सरल है। थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करो, क्योंकि मेंस वाले दिन जो सरल क्वेश्चन होता है वो भी प्रेशर की वजह से ज़्यादा कठिन फील होता है ना। इतना ही कहना था यार, और तो कुछ ज़्यादा कहना नहीं है। तो आइसोमेरिज्म आज करेंगे, तसल्ली से करेंगे, टाइम कम ज़्यादा जो कुछ लगना होगा अपने आप पता लग जाएगा अंत तक कितना लगा, और शेड्यूल मैं डाल दूंगा। बीच में 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाएगी तो उसके लिए भी मैं मतलब माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, वो मैं बता दूंगा कब नहीं होगी, वो शेड्यूल में ही मेंशन कर दूंगा कि इस दिन से इस दिन तक क्लास नहीं आएगी, ठीक है। और फिर हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। टेस्ट सीरीज जिसने लेनी चाहे वो ले ले, पेपर हमेशा के लिए खुले हैं सेकेंड अटैम्प्ट तक, तो एक बार परचेस कर लोगे तो सेकेंड अटैम्प्ट तक कभी भी दे सकते हो, और एक बार ही दे पाओगे तो बाकी भाई चीटिंग वीटिंग करने की कोशिश मत करना, कोई फ़ायदा है नहीं उससे, है ना। तो हम लोगों को नोट्स कहाँ पे मिल रहे हैं, नोट्स हमें कहाँ पे मिल जाएंगे हमें, तो नोट्स हमें अपने वेब डिस्क्रिप्शन लिंक में वेबसाइट पे सब कुछ पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग नोट्स ले सकते हो। 2022-2023 के PYQs हो रखे हैं GOC के, तो जिनके भी 2023 के PYQ हो रखे हैं उनके लिए लैग ना, इसलिए 2021 भी साथ में करवाता चलूँगा, 2023 तो आ ही रहा है ना। तो हर चैप्टर का रिवीजन होगा, कोई चैप्टर छोड़ेंगे नहीं, पूरे डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा। अगर तुम्हें इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, तुम्हें लग रहा है कि सर इसमें स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो तुम वाले जो फुल लेंथ लेक्चर्स हैं उन्हें भी देख लो, उनसे भी काम चल जाएगा। नॉमेनक्लेचर यार 2 लेक्चर में करवाया है 1.5 घंटे में, तो उसके लिए क्या अलग से वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। POC भी हम लोग कर रखी है, प्योरीफिकेशन का लेक्चर आ जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग बात करना शुरू करते हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म का मतलब है, आइसो माने होता है सेम और मेरिज्म माने होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जिसमें ऐसे कंपाउंड जिनमें सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स, ठीक। तो एलिमेंट मतलब कंपाउंड्स हैविंग सेम एम्पेरिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स, ठीक है। और इस फिनोमेना को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है यार। बात समझ में आई रही होगी मेरी, मैं मतलब थोड़ा सा दुखी हो गया क्योंकि एक बच्चे ने कह दिया कि सर टेस्ट सीरीज थोड़ी सी अजीब सी है, इरेलीवेंट सी लग रही है, कठिन है बहुत। बाकी लोग भी कमेंट करके बताना कि कितनी इरेलीवेंट लगी। देखो जो सवाल तुमसे लग गया ना अभी, वो तुम्हारे मेंटल डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो सवाल तुम्हें थिंकिंग के लिए प्रवोक कर रहा है, क्योंकि मेंस में सिंपल सवाल में भी बहुत प्रेशर होगा, तुम्हारे दिमाग पर बंदूक लगी होगी यहाँ पर। तो जो लोग ड्रॉपर हैं वो कमेंट करके बताएं कि सर कि सिंपल सवाल भी नहीं हो पाते ना, तो जब तुम्हें थोड़े से लेवल अप सवालों की प्रैक्टिस होगी तो तुम्हारा पेपर वहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा, ये बात तो मान के चलो, है ना। तो आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमेरिज्म को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशंस, ठीक है।
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन कौन से प्रकार की हो सकती है? चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और रिंचेन आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह की हो सकती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, और कन्फर्मर्स दे आर ऑल्सो नोन एज रोटामर्स, इनकी जरूरत उन्हें हम ट्रू आइसोमर्स नहीं कहते। ठीक है, थोड़ा दुखी हो जाता हूँ यार, पता नहीं क्या मेरे साथ कुछ हो जाता है ऐसा। और प्लीज़ कमेंट करके बताना यार कि क्या हुआ, पढ़ाई कैसी चल रही है, टेस्ट दे के कैसा लगा, एक टेस्ट दे चुके हो, वीडियो सॉल्यूशन देख लिया है, कितना रिलेवेंट लगा ये मेरे को सही से बताना, तो मैं आगे आने वाले 4, 5, 6 टेस्ट नंबर को लेवल डाउन कर दूंगा, सिंपल कर दूंगा। मतलब 3 टेस्ट कठिन दे लो, फिर उसके बाद वाले टेस्ट सिंपल कर दूंगा अगर तुम लोग कहोगे। लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना जरूर यार कि टेस्ट कैसा लगा, है ना। दोज आइसोमर्स हूज एम्पिरिकल फार्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर डिफरेंट आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ऐसे आइसोमर्स जिनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले अरेंजमेंट सीखते हैं कार्बन का स्केलेटन बनाना। तो C1 को हम लोग एक तरीके से ही अरेंज कर सकते हैं, इसका केवल एक ही तरीका अरेंज करने का, कोई दूसरा तरीका नहीं है। C2 को अरेंज करने के दो तरीके, एक तरीका है। C3 को भी अरेंज करने का केवल एक ही तरीका है स्केलेटन बना के। अगर तुमने इसे इस तरह से अरेंज किया, तो दिस इज सेम, ये क्या है सेम, तो इसमें भी कितने तरीके आ गए, एक ही रास्ता आया। C4 की जब बात करेंगे तो यहाँ से हम लोग तरीके ढूंढना शुरू करेंगे, तो क्या आएंगे, पूरे पूरे स्ट्रक्चर बनाने का टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में, इसलिए स्केलेटन बनाना सीख लो। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 वेज हो गए, ठीक है। फिर C5 के लिए, पांच कार्बन को स्ट्रेट लाइन में रख सकते हैं, या फिर 4 कार्बन को स्ट्रेट लाइन में रख के 1 कार्बन को नीचे रख सकते हैं, या फिर इस तरह से बना सकते हैं। गला बैठा हुआ है बुरी तरीके से, फिर भी रिकॉर्डिंग ऑन है क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। मैं चाहूँ तो ये कोई मतलब वैसा कोर्स तो है नहीं पेड कोर्स कि मैं बहुत मतलब इंथू से लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे को तुम्हारी चिंता है यार, सिंपल बात है यार। तुम लोग इतना प्यार से देख रहे हो, इतने अच्छे कमेंट कर रहे हो, इतना रिस्पेक्ट कर रहे हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं मतलब देख रहे हो आवाज़ कैसी हो रही है यार, क्या करूँ। ठीक है, तो मेरा तरीका यह है कि भाई आवाज़ थोड़ी कम ज़्यादा चलेगी, YouTube इतना तो मेरे को माफ़ कर ही देगा ना यार। तुम लोग बताओ कि सुनने में आ रही है, समझ में आ रही है, थोड़ी घरघराहट होगी क्योंकि गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, लगातार बोल रहा हूँ, है ना। तो तुम लोग पढ़ रहे हो और अच्छे से पढ़ लो यार, सेलेक्ट हो जाओ बस, मेरी तो इतनी इच्छा है। कमेंट नहीं करोगे तब भी चलेगा, लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे तब भी चलेगा मेरे को, लेकिन बस सेलेक्ट तो हो जाओ यार, जो कुछ करना हो करो लेकिन सेलेक्ट हो जाओ बस। तुम्हारी चिंता है, बाकी मुझे किसी की और की चिंता नहीं है। हो सकता है कभी मेरे पास 1 लाख सब्सक्राइबर, 10 लाख सब्सक्राइबर ना हो, मेरे को बिल्कुल चिंता नहीं इस बात की, लेकिन जो 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग पढ़ रहे हैं वो ज़रूर सेलेक्ट हो जाएं बस। अचीवमेंट मेरा इतना ही होगा कि जो तुम में से जो ध्यान से पढ़ रहा है उसके पूरा कंटेंट मिले और वो सेलेक्ट हो जाए। और बात मेरी मानो यार, देखो मैं इस फील्ड में कम से कम तुमसे ज़्यादा पुराना हूँ, तो मेरी बात मानोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा चांसेस होंगे तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। मैं तुम्हारा बुरा तो कैसे भी नहीं चाह सकता, आज यार थोड़ा सा मेरा मन खराब हो गया है बस, और कुछ नहीं है। चलो तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो, पढ़ते रहते हैं हम लोग, ध्यान से पढ़ते हैं और कोई टेंशन नहीं है, हम लोग सीख लेंगे पूरा आज, ऐसे मेरे तुम ख़त्म करके ही उठेंगे, है ना। सॉरी इंटरप्शन के लिए यार, मेरे को थोड़ा सा इमोशनल हो गया यार थोड़ा बस। इसके कितने वेज हैं, इसके 3 वेज हैं, इसके कितने वेज हैं, 3 वेज हैं। अगर C6 ले लें यार हम लोग, C6 ले लेंगे तो कितने कार्बन है, 6 कार्बन एक लाइन में रखेंगे, 6 को एक लाइन में रखा और 5 कार्बन को एक लाइन में रखा और एक नीचे ले आए, फिर 5 कार्बन से एक डाउनवर्ड कर दिया, पोजीशन चेंज कर दी, फिर 4 कार्बन पे एक ही पे 2 लगा दिए और फिर 4 कार्बन को अलग अलग पे लगा दिए, तो इसके कितने आ गए, 5 वेज आ गए। अब देखो जरा ध्यान से कि जिन 2 कार्बन चेन में पेरेंट चेन में डिफरेंस होता है, इसमें कितने कार्बन की पेरेंट चेन है, इसमें 6 कार्बन की पेरेंट चेन है और इसमें 5 कार्बन की पेरेंट चेन है मेरे भाई।
फाइव कार्बन की पैरेंट चेन है। नंबरिंग मैंने वैसे नहीं करी, अगर तुम नंबरिंग के स्टाइल में करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं। तो पांच कार्बन की पैरेंट चेन है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं चेन आइसोमर्स। क्या कहते हैं? चेन आइसोमर्स कहते हैं। ठीक, अब इसमें नंबरिंग कर लो। अगर पैरेंट चेन सेम हुई और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग हुई तो ऐसे आइसोमर्स को कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स। क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। ठीक, इन दोनों को बताओगे क्या कहते हैं? कमेंट करके बताओ इन दोनों को क्या कहते हैं। इन दोनों को कहते हैं क्या? इसमें देखो, अगर पोजीशन देखोगे तो 2,2-dimethyl है और इसमें 2,3-dimethyl है, तो ये भी क्या है? ये भी पोजीशन आइसोमर्स है क्योंकि पोजीशन अलग है। ठीक है, तो अगर हमसे कोई ये पूछ दे कि C4H10 के कितने आइसोमर बन सकते हैं, तो C4H10 में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? DB निकालेंगे, और DB निकालना हमें आता है, DB का फॉर्मूला C+1-X+H-N/2 होता है, वेयर C इज नंबर ऑफ कार्बन एटम, N इज नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, X इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और H इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम DBE निकालेंगे। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए क्योंकि इससे काफी कोई लंबे लंबे सवाल होते हैं ऑर्गेनिक के, वो भी लग जाएंगे जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हाइड्रोकार्बन से, हम वाले सवाल साथ में लगवाते हुए चलेंगे। ठीक है, ठीक, मेरे को दुखी नहीं होना चाहिए ना, तुम लोग बताओ। ठीक है यार, कुछ नहीं, चल पढ़ते हैं, है ना। तो ये बन गया, तो C4H10 में निकालोगे तो DB कितनी आ जाएगी? DB आ गई कितनी? DB आ गई 0। कैसे आ गई 0? ऐसे रख लो, 4+1-10/2=0। 0 आ गई तो कितने बनेंगे स्ट्रक्चर? अब ये एल्केन है, एल्केन के लिए तो स्केलेटन कितने बना सकते? 2 ही बना सकते थे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, सिंपल। अब अगर हमें C4H8 में बनाने हो नंबर ऑफ टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिख लेता है ऐसा, अभी ऑप्टिकल वगैरह किया नहीं है, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कर लेता। नंबर ऑफ टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे निकालेंगे? तो C4H8 के लिए पहले क्या निकालेंगे? DB निकालेंगे, तो C+1-X+H-N/2, दोबारा लिख रहा हूँ फॉर्मूला, तो 4+1-8/2 यानी कि 1 आ गई। 1 DB मीन्स क्या होता है? आइदर 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग, आइदर 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग। तो 1 पाई बॉन्ड या 1 रिंग है तो इसमें क्या करेंगे? पहले हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो C4 के स्केलेटन बना लिए हमने। तो पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं? देखो, एक बार यहाँ लगा सकते हैं, एक बार यहाँ लगा सकते हैं, तो इससे कितने बन जाएंगे स्ट्रक्चर? 2। इसमें एक ही पोजिशन है क्योंकि बाकी सारी पोजिशन आइडेंटिकल है, तो एक यहाँ लगा सकते हैं, यानी कितने बना सकते हैं? एल्कीन 3। 3 क्या बन गई? एल्कीन्स बन गई। अब जब रिंग बनाएंगे तो 3 मेंबर की रिंग से शुरू करेंगे, और एक मिसाइल लगा दिया और एक बन जाएगी 4 मेंबर की रिंग, बिल्कुल आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। एक 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी, सिंपल है ये तो बिल्कुल। ठीक, अब जेई एडवांस वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जेई एडवांस में एक न्यूमेरिकल इंटीजर क्वेश्चन आया था, क्या पूछा उसमें? उसने पूछा कि C4H6 के साइक्लिक आइसोमर्स कितने होंगे। तो C4H6 के साइक्लिक आइसोमर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? DB निकाल लेंगे पहले। DB कितनी आ जाएगी? 4+1-6/2 यानी कि 5-3 यानी 2 आ गई। DB 2 का मतलब क्या हो सकता है? 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड
और टू पाई बॉन्ड्स और टू रिंग्स, यही तो तीन केस हो सकते हैं भाई, आराम से बताओ ये, आराम से तीन बात समझ में आ रही कि ये तीन केस हो सकते हैं। अब अगर ये तीन केस हो सकते हैं मेरे भाई, तो ध्यान से सोचना मेरी बात, मेरी बात ध्यान से समझते रहना है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जानी है। तो इसमें क्या हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसमें आ जाएगा क्या कि हम लिखेंगे कि साइक्लिक बनाने हैं तो हम तीन नंबर की एक रिंग बना लेते पहले, और उसमें एक पाई बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं, तीन मेंबर की रिंग बना के एक पाई बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं। सारे केस करने होंगे हमें तो एक पाई बॉन्ड हम यहाँ लगा सकते हैं, फिर चार मेंबर की एक रिंग बना सकते हैं और चार मेंबर की रिंग में एक पाई बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं, और फिर एक जो लोग नहीं बना पाते हैं वो बाईसाइक्लो कंपाउंड है, चार मेंबर की एक रिंग बना के एक बीच में बना दिया। तो टोटल इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा फाइव। तो हम चार आंसर तो बहुत आसानी से निकाल देते हैं, लेकिन पांचवा वाला आंसर हम लोग जनरली गलत कर देते हैं, ये हमें ध्यान रखना है कि ये गलत नहीं करना है। अब मान लेते हैं कि हमें क्वेश्चन मिल गया कैसा, तो मैं दो तरह के आइसोमर्स पता लग गए, कौन कौन से पोजीशन और कौन से चेन। अब देखो ये इन दोनों में क्या है, रिंग चेन अलग अलग कार्बन की है, एक में तीन मेंबर की एक में चार मेंबर की, तो इन्हें क्या कहते हैं, रिंग चेन आइसोमर्स कहते हैं। डेफिनेशन लिखने से तो अच्छा है कि हम ये लिखते हैं, ये दोनों कैसे आइसोमर्स हैं पोजीशन, ये दोनों कैसे हैं रिंग चेन। ठीक, अब हमारे पास क्वेश्चन आया कि C5H12O से नंबर ऑफ आइसोमर्स बनाने हैं, हमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने हैं। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताने किसके, C5H12O के। आसो स्पीड सही है, ये ज़्यादा टेक्निकल टॉपिक है, थोड़ा स्लो चल रहा हूँ ना, तो यार देखो फीडबैक देते रहोगे तो मैं भी इम्प्रूव कर जाऊँगा, तुम्हारे ही ऊपर डिपेंडेंट हूँ ना मैं, तो मैं भी इम्प्रूव कर ही रहा हूँ धीरे धीरे, इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ है ना, तो भाई मज़ा आएगा, हमें मज़ा आएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो C5H12O लिया, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालने हैं हमें, तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे बनाएंगे हम लोग इसके, तो C5H12O के लिए पहले क्या निकालेंगे, DB निकालेंगे, DB निकालेंगे तो आ जाएगा C+1-। मैं हर बार फॉर्मूला इसलिए लिखता हूँ कि जिससे तुम्हें याद हो जाए, तो 5+1-12/2 यानी कि 0 आ गई, यानी कि ये क्या हो सकता है, ये जनरल फार्मूला है CnH2nO, CnH2n+2O का, ये जनरल फार्मूला किसका है, एल्कोहल्स का एंड ईथर्स का, एल्कोहल्स एंड ईथर्स का जनरल फार्मूला किसका है, एल्कोहल्स का और ईथर्स का। अब एल्कोहल और ईथर का जनरल फार्मूला है, तो पहले हम एल्कोहल बनाने के लिए क्या करेंगे, स्केल्टन बना लेंगे पहले। तो हमने पांच कार्बन के स्केल्टन बना लिए, तीन याद आ रहा है, तीन ही बनते हैं। अब क्या करें, हम इसमें यहाँ पे OH लगा सकते हैं, यहाँ पे OH लगा सकते हैं, यहाँ पे OH लगा सकते हैं, तो तीन बन गए भाई। ये बात समझ में आ रही है, तीन पहला हो जाएगा, 1-hydroxypentane, 2-hydroxypentane और 3-hydroxypentane, तो तीनों आइसोमर्स हैं इसमें। देखो यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, ये पोजिशन और ये दोनों पोजिशन कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, तो इससे कितने लगा पाएंगे हम लोग, चार, और इसमें तो एक ही लग पाएगा क्योंकि सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, तो आठ अल्कोहल्स बन गए, आठ क्या बन गए, अल्कोहल्स बन गए। अच्छा अब आठ अल्कोहल बन गए, अब ईथर बनाने हैं। ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROR। ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROR होता है। जब ईथर का जनरल फॉर्मूला ROR है, तो हम इसे क्या बना देंगे, C1 इधर रख के C4 इधर रख सकते हैं, C2O3 रख सकते हैं, बस यही दो तरीके हैं, क्योंकि C1O4 और C2O3 को पलटने से कोई खास फायदा नहीं होगा। तो इससे कितने बनेंगे, तो अगर हम C4 का स्केल्टन बना लें, C4 को हम कितने तरीके से अरेंज करते थे, C4 को दो तरह से अरेंज करते थे, तो इसमें OCH3 कैसा ट्रीट हो जाएगा, OCH3 एक ग्रुप की तरह ट्रीट हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप की तरह, तो कहाँ कहाँ लग सकता है OCH3, देखना जरा OCH3 कहाँ लगा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, तो टोटल चार बना सकते हैं, यानी कि इससे कितने बन जाएंगे, चार आइसोमर। और OC2H5 भी एक ही तरीका अरेंज करने का, लेकिन CH3 का तो स्केल्टन हम बना सकते हैं, तो CH3 का स्केल्टन कैसे बना दिया, तीन,
तो ओ सी टू एच फाइव कहाँ कहाँ ला सकते हैं, यहाँ पे यानी कि इससे दो बना सकते हैं, तो इससे कितने बन गए टोटल दो, तो यानी कि सिक्स ईथर्स बन गए, ठीक है। तो छह ईथर बने, आठ एल्कोहल बने। तो एल्कोहल एंड ईथर्स आर कॉल्ड क्या, फंक्शनल आइसोमर्स। इन्हें हम क्या कहेंगे, फंक्शनल आइसोमर कहेंगे, क्योंकि अल्कोहल और ईथर आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है। अब जरा ध्यान से देखना कि C2O C3 और C1O C4 ये दोनों कैसे आइसोमर्स हैं। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास दो वैलेंसी फ्री होती हैं, वो मेटामेरिज्म शो करते हैं। तो ये क्या है, मेटामर्स हैं। मेटामर्स का मतलब कि जिनके पास नंबर ऑफ कार्बन ऑन आइदर साइड ऑफ द कार्बन फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। मेटामर्स कौन से होते हैं, इन विच द नंबर ऑफ कार्बन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अगर नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है तो वो क्या करेंगे, मेटामरिज्म शो करेंगे। मेटामरिज्म कौन कौन शो करते हैं, कीटोन्स कर सकते हैं शो, R1 R2 लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे ही एस्टर शो कर सकते हैं, R1 R2 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। इधर शो कर सकते हैं, सेकेंडरी एमीन शो कर सकती हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये मेटामरिज्म शो करने वाले फंक्शनल ग्रुप हैं, ग्रुप शोइंग कैन शो मेटामरिज्म, लिख लेते हैं ग्रुप्स विच कैन शो मेटामरिज्म। सबसे जरूरी बात है कि क्या होना चाहिए, उनके दो हाथ होने चाहिए, अगर उनके पास दो हाथ है तो वो मेटामरिज्म शो कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग टॉटोमेरिज्म की। टॉटोमेरिज्म अलग से पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक में टॉटोमेरिज्म की कहीं कहीं जरूरत पड़ती रहती है और क्वेश्चन भी ठीक ठाक आता है। टॉटोमेरिज्म की शुरुआत कैसे हुई, ये बात हम लोग वीडियो में सीख चुके हैं कि शुरुआत के लिए एसिटाइल एसिटो एस्टर का स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं हो पा रहा था। तो एक बंदा जो एक साइंटिस्ट था वो कह रहा था कि इसमें सी डबल बॉन्ड हो और एक कह रहा था इसमें एल्कीन है। तो इसे फॉर्म को कहते हैं, इस फॉर्म को कहते हैं कीटो फॉर्म, और इसमें इन और ऑल एक साथ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इन ऑल फॉर्म कहते हैं। इसीलिए टॉटोमेरिज्म को जनरली कीटो इनऑल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं कि कीटो फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इन ऑल फॉर्म में, तो इसे हम क्या कहते हैं, टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं, ठीक। तो कीटो फॉर्म का मतलब हमने एसीटोन ले लिया यहाँ पे और ये क्या हुआ, इन ऑल में कन्वर्ट हो गया। अब ये कन्वर्ट कैसे हुआ, कैसे देखेंगे, तो सी डबल बॉन्ड होकर रिस्पेक्ट में पहला कार्बन अल्फा कार्बन, इसे नंबरिंग कर लेते हैं आर्बिट्रेरी 1 2 3 4। तो सिंपल क्या करो कि 4 से उठा के 1 को H दे दो और 1 और 2 2 और 3 के बीच में, 1 और 2 में जो बॉन्ड था वो 2 और 3 के बीच में कर दो। तो ये बन जाएगा, देखो जरा आराम से, 4 यहाँ पे आ गया और बॉन्ड बीच में आया। लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट वे, दिस इज ओनली ट्रिक, नॉट द करेक्ट वे। केमिकली तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, केवल जुगाड़ है, जुगाड़ से आंसर निकालना सही तरीका कभी भी नहीं होता है। जुगाड़ से सही आंसर नहीं निकाला जाता, कभी भी नहीं निकलेगा ही नहीं सही आंसर, तुमसे तुम लाख कोशिश कर रहे हो, ठीक। चलो फिलहाल अभी हम जुगाड़ से एक दो बना के देख लेते हैं, फिर देखते हैं मैकेनिज्म पे पहुंचेंगे। तो पहले जुगाड़ वाले तरीके सीख लेते हैं। जुगाड़ वाले तरीके में क्या हुआ, ये हो गया 1 2 3 और 4, तो इसे यहाँ भेजा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया यहाँ पे, बन गया OH और ये आ गया डबल बॉन्ड, ठीक। ऐसे इससे क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड COH और H, क्योंकि ये अल्फा कार्बन था, ये भी अल्फा था। अब इसके पास कितने अल्फा हैं, 2 अल्फा है, तो इसके साथ 2 बनेंगे, देख रहे हो भाई ध्यान से, आसानी से बात समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। बात समझ में आ गई,
बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ कीटो फॉर्म टू इनॉल फॉर्म इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं। तो क्या हुआ कि ये हमें इससे कन्वर्ट करना है इसमें, तो OH- हमें गिवन है, तो OH- क्या करेगा, अल्फा कार्बन पे जो H है दैट इज कॉल्ड एसिडिक H। तो OH- क्या करेगा, मैकेनिज्म लिखना है ध्यान से देखना भाई। OH- इस H को लेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2, तसल्ली से बिल्कुल आराम से आ जाएगा, फिर रिवाइज करते समय भी तसल्ली से ही बनाना है। तो क्या हुआ, यहाँ पे बन गया CH2- बन गया, सी डबल बॉन्ड ओ आ गया और एच आ गया। ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करके बना देगा डबल बॉन्ड सी ओ माइनस और एच। ये एच क्या करेगा, ये वाटर से एच लेके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा। और ओ एच माइनस क्या हुआ, ओ एच माइनस अब लीव हो गया, यानी कि ओ एच माइनस एक्टिंग एज ए ट्रूली कैटलिस्ट। इसमें क्या है, ओ एच माइनस इज रीजनरेटेड, दैट्स वाई वी कैन से इट एक्ट्स एज, इट ट्रूली एक्ट एज, लिख देते इट ट्रूली एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। अगला क्वेश्चन करके दिखाऊं, अपने आप करोगे, चलो मैं करके ही दिखा देता हूं, अपने आप करने के लिए काफ़ी तुम लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है, मैं करके दिखा दे रहा हूं, जो पहली बार चैनल पे हैं उन्हें तसल्ली रहती है थोड़ी सी। तो इससे क्या हो जाएगा, CH3CO CH2-, ठीक। ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, तो CH3CO- और डबल बॉन्ड CH2 आ गया, ठीक। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया रेजोनेंस करके, तो ये क्या करेगा, ये वाटर से H प्लस ले लेगा, तो क्या बना देगा, CH3COH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक ही तरफ से होगा, दूसरी तरफ से नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तरफ से जब रेजोनेंस होना शुरू हो जाएगा तो दूसरी तरफ से उसकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी, ठीक। अब अगर हम इसे एक यहीं पर लिख देते हैं कि इन एसिडिक मीडियम कैसे होगा, हम एसिडिक या बेसिक किसी भी मीडियम में टॉटोमेरिज्म करा सकते हैं, तो एसिडिक मीडियम में टॉटोमेरिज्म कैसे होगी इस बारे में बात अगर हम करें, तो देखो कैसे करेंगे बात हम लोग। एसिडिक मीडियम में जब टॉटोमेरिज्म होगी तो कैसे होगी कि यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं कि फिर से CH2H और HLDHD है और यहाँ पे H प्लस है, तो ये H प्लस से ले लेगा और क्या बना देगा, HCH2 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक। ये यहाँ से रेजोनेंस कर सकता है ऐसा, तो ये OH बन गया और H बन गया, यहाँ पे आ गया प्लस, तो जो वाटर था वो क्या करेगा, इस H को H प्लस की तरह ले लेगा और इस इलेक्ट्रॉन को इधर देगा, क्योंकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन से पहले से ही उधर जा रहा होगा, तो क्या बन गया, CH2COH और H, तो ये क्या बन गया, इनॉल बन गया और ये क्या बन गया, कीटो बन गया, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में भी हमने कर लिया, आसानी से समझ में आ गई होगी बात। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टॉटोमेरिज्म, तो मैं ये बताना है टॉटोमेरिज्म कौन शो करेगा। अब टॉटोमेरिज्म केवल वही शो करेंगे जिनके पास अल्फा एच होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका मतलब, अगर हम नटशेल में एक बार यहाँ पे लिख देते हैं बात को, तो मैं बात यहाँ पे रिवाइज करने में आसानी रहे, क्या कि टॉटोमेरिज्म इन जनरल शोन बाय दोज कंपाउंड्स विच हैव अल्फा एच कनेक्टेड टू sp3 हाइब्रिड एटम, ठीक, अल्फा एटम,
तो हम उससे क्या कहेंगे, ये हमारे क्या हो जाएगी, टॉटोमेरिज्म हो जाएगी। तो इसमें देखना जरा टॉटोमेरिज्म, सबके टॉटोमर बनाते हुए चलते हैं फटाफट। मैं 2 सेकंड का ब्रेक ले लेता हूँ, तुम तो बना लो पहले, लो क्वेश्चन देख लो पहले, फटाफट बनाओ फिर मैं बना देता हूँ फटाफट। पहले मैं तो अल्फा लिख ही दिया, तो पहले का तो मैं बना ही देता हूँ, पहले डायरेक्ट ऑटोमेट हम लोग फटाफट बनाते हुए चलेंगे। जितने बन सकते हैं वो हमें बताने, कितने इनऑल बनेंगे, कितने तरह के बन सकते हैं वही बनाएंगे। तो देखो इसमें क्या अल्फा है, एक ही अल्फा और एक ही अल्फा बन पा रहा भाई सबसे। कमेंट चाहिए भाई, कमेंट चाहिए, जल्दी बताओ बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। अब इसमें बताओ बनेगा या नहीं बनेगा, जल्दी से क्या होगा। ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पास नो अल्फा एच, ये तो क्या है, ये तो सी एस थ्री है सारे, तो कोई अल्फा एच नहीं है इसके पास, तो क्या बन जाएगा इसका, नो ऑटोमेरिज्म। नो ऑटोमेरिज्म, ऑटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब अगले वाले को देखो जरा, अगले वाले में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये अल्फा है और एक ये हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, ये अल्फा, लेकिन ये कार्बन कैसा है, sp2, ये कार्बन sp2 है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से एच लेके इनॉल बनाएगा, एक इनॉल तो ये बन जाएगा। और अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो ये एच भी एसिडिक है, तो देखो अगर बेस यहाँ से एच ले ले तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो इसके साथ क्या बन जाएगा, और की जगह प्लस लिख लेते हैं, ये बन जाएगा। अब जब ये बन गया तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है ये बताना है, तो तुम्हें एल्किन की स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो इसमें देखो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, कैसा कॉन्जुगेशन है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है इसमें। और इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर जब इधर से इधर रेजोनेंस करना चाहता है तो उस टाइम पे ये भी रेजोनेंस करना चाहता, तो इसमें क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन है। कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ सिखा रहा हूँ भाई, ध्यान से देखना है ना, इसमें क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन है। यार मेरा थोड़ा सा टीचिंग स्टाइल थोड़ा एडवांस वर्जन है, कंटेंट मतलब बहुत हल्का हल्का नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, मेरे को आता नहीं है बहुत हल्का पढ़ाना, है ना। तो तुम लोग डाइजेस्ट कर पा रहे हो तो एक बार कमेंट करके बताना कि यार किस डाइजेस्ट हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रही है आपकी बात और हम अच्छे से कर पा रहे हैं। और फिर अगर अच्छा लग रहा है तो फिर अपने दोस्तों को बताओ यार, इससे कंपटीशन नहीं बढ़ता, इससे केवल दुआएं मिलेंगी तुम्हें, है ना, दुआएं इकट्ठी करो। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में हमेशा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बेहतर है, ठीक है, क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में हमेशा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बेटर है। तो इसमें कौन सा, जो गामा से एच निकला इसे हम क्या लिख सकते हैं, बीटा, और ये गामा, तो गामा से भी एच हम निकाल सकते हैं। तो तुम यहाँ पे देखो एच और एच है यहाँ पे, ये दोनों अल्फा पोजीशन है, ये बीटा है और ये गामा है, तो ये तो sp2 है, तो यहाँ से तो निकालने से कोई फायदा ही नहीं है, तो कहाँ से निकालेंगे, गामा से एच निकालेंगे, गामा से एच निकाल के ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये ज़्यादा गंदा गंदा तो नहीं हो रहा, दिख रहा है सब सब भाई, तो क्या बन जाएगा, ये फिनॉल बन जाएगा, ठीक। इसमें देखो इसमें यहाँ पे अल्फा एच गामा एच दोनों ही नहीं है, तो ये टॉटोमेरिज्म डू नॉट शो, ये टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अब इसके बाद देखो ये अल्फा है और यहाँ पे अल्फा है, तो ये अल्फा कैसा है, sp2, तो इसके पास तो एच है ही नहीं, लेकिन इसके पास अल्फा एच है, तो क्या बन जाएगा, OH डबल बॉन्ड CH2, बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद देखो ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो नो अल्फा एच, नो टॉटोमेरिज्म, अच्छा लगा तो यार बताना भाई कि टॉटोमेरिज्म बढ़िया से समझ में आ रही है, काम चल रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आ रही कैसी भी। तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं जिससे कि तुम्हारा रिवीजन पूरी तरह से हो, बिल्कुल तुम अपने आप पे ये रिलाई मत करो कि मेरे ऊपर भरोसा करो यार, मैं तुम्हारा बुरा नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, तुम्हारे बेस्ट करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, है ना, ठीक। अब
पोजीशन ऑफ टॉटोमेरिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ठीक, पोजीशन ऑफ टॉटोमेरिक इक्विलिब्रियम, अब हमें कीटो और इनॉल में आइसोमरिज्म हो रही है, कीटो बन रहा है और इनॉल बन रहा है, और इनके बीच में क्या इक्विलिब्रियम है। इन जनरल क्या होता है कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेस देन वन होती है, इन जनरल क्या होता है कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेस देन वन होती है। ठीक, इन जनरल के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कैसी होती है, लेस देन वन होती है। जब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेस देन वन होती है तो हम कहते हैं कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। क्या हो रहा है उस टाइम पे, कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। हमेशा की बात नहीं हो रही है, इन जनरल बात हो रही है, ध्यान रखना। इन जनरल कह रहा हूं, हमेशा नहीं कह रहा हूं, है ना। तो इन जनरल कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। तो कीटो को हमने ज्यादा स्टेबल किया, इनॉल को कम स्टेबल किया। एंडोथर्मिक प्रोसेस है और जो एक्सटेंट ऑफ एंडोथर्मिसिटी है वो 50 से 55 किलो जूल पर मोल की आती है। ठीक, और आरसी का मतलब रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ई का मतलब एनर्जी। तो अगर एंडोथर्मिक कम हो रहा है तो फायदा नहीं है, एंडोथर्मिसिटी आएगी तो रिएक्शन को कराना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इन जनरल क्या होता है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होते हैं इनॉल फॉर्म से। अब क्या हमेशा ऐसा होता है कि इनॉल फॉर्म ज्यादा होती है, और इनॉल फॉर्म अगर हमें चार कीटो दे दिए जाए तो किसकी इनॉल ज्यादा होगी, हम कैसे कंपेयर करेंगे। उसके लिए हम लोग लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इनॉल कंटेंट, की कौन कौन सी बातें हैं जो इनॉल कंटेंट को अफेक्ट करती हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो इनॉल कंटेंट को अफेक्ट करती हैं। अभी हम इनॉल कंटेंट और कीटो कंटेंट में कंपेयर नहीं कर रहे हैं। इनॉल कंटेंट मतलब अगर हमें चार कीटो दी हैं तो उनके चार इनॉल बनेंगे, उनमें से कौन सा इनॉल ज्यादा बनेगा इसके बारे में सवाल है। बात को समझना पूरी, इसमें सवाल किस बारे में है कि चार कीटो दिए हुए हैं, चार इनॉल बनेंगे, तो वो चार इनॉल किस ऑर्डर में बनेंगे उनकी बात है। ठीक, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में क्या लिखेंगे कि जितना एसिडिक एच होगा उतना ही क्या होगा, इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। जितना एसिडिक एच ज्यादा होगा उतना इनॉल ज्यादा होगा। और एसिडिक एच हम लोगों ने जीओसी से निकालना सीख रखा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के। ठीक, माइनस आई के प्रोपोर्शनल है और किसके, माइनस एम के प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई प्लस एम और प्लस एच के। ठीक है, सिंपल सी बात है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इस क्वेश्चन में कि किसका इनॉल सबसे ज्यादा बनेगा, तो किसका इनॉल सबसे ज्यादा बनेगा बताएंगे कैसे, तो इसके तीनों के हम क्या बना लें, एनाइन बना लें या एसिडिक एच देख लें, तो तीनों का एनाइन बना लें। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ऐसे ही देख लेते हैं, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। इस पर तो कुछ नहीं लग रहा है, इस पर क्या लग रहा है, माइनस आई लग रहा है, और इस पर क्या लग रहा है, माइनस आई और माइनस एम दोनों लग रहा है। बोलो भाई, इस एच पर माइनस आई माइनस एम सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा एच हो गया, मोस्ट एसिडिक एच हो गया, मोस्ट एसिडिक एच हुआ। यानी कि हम क्या कहेंगे कि जिसका एच ज्यादा एसिडिक है वो उसका इनॉल कंटेंट भी ज्यादा होगा, जिसका एच ज्यादा एसिडिक है तो इनॉल कंटेंट भी ज्यादा होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, बिल्कुल ठीक। अगला, नेक्स्ट कैसे कहेंगे कि अब हमें ये वाले हाइड्रोजन को हटाना है, ध्यान से देखना भाई, हमें ये वाले हाइड्रोजन को हटाना है, ये वाले हाइड्रोजन को हटाना है। ठीक, ये अल्फा एच है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे मेजर करेंगे, सी एन कैसा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई और माइनस एम, और सी एस थ्री कैसा लगा रहा है, प्लस आई और प्लस एच। तो कौन सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ, वन सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ, फिर टू और फिर थ्री, थ्री सबसे कम हो गया क्योंकि थ्री पे क्या लग रहा है, प्लस आई और प्लस एच लग रहा हुआ। ठीक, ऐसे इसे देखो, इसमें ये अल्फा है, ये अल्फा है, इसमें ये अल्फा है, इसमें ये अल्फा है, तो इसमें क्या लग रहा है, इसमें तो प्लस आई लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, माइनस आई और माइनस एम, रेजोनेंस भी होगा, इसमें क्या लग रहा है, माइनस आई और माइनस एम, और एनओ टू का माइनस एम हम जानते हैं ज्यादा होता है, तो क्या आंसर आ जाएगा, इस तरह का आंसर आ जाएगा। सिंपल है भाई, क्वेश्चन भी करवाते हुए चल रहा हूँ जिससे तुम्हें कोई दिक्कत ना आए, है ना, सही है, बात समझ में आनी चाहिए पूरी तरह से, बढ़िया से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस की। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या कहते हैं, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ग्रेटर विल बी द इनॉल कंटेंट। जितना एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगा उतना इनॉल कंटेंट भी ज्यादा होगा। तो अब देखो जरा, इसमें अगर हम हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन, तो जब हम इससे इनॉल बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, इसका इनॉल, इसका इनॉल हम क्या बनाएंगे, तो ये फिनॉल बन जाएगा। जब हम इससे निकालेंगे तो हम पैरा वाला बनाएंगे, एक तो अपोजिट वाला मतलब, तो इसके दो इनॉल बनाए जा सकते हैं, तो क्या बन गया ये,
और एक कहाँ से निकाल सकते हैं, एक हम यालाज भी निकाल सकते थे। और अभी हमने तुम्हें ये पढ़ाया कि कौन सा इनऑल ज़्यादा बनेगा इन दोनों में से, इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, इन दोनों से ये मेजर बनेगा क्योंकि एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा है, ये माइनर है। और इन दोनों में किसका ज़्यादा बनेगा, इन दोनों में फिनॉल, क्योंकि फिनॉल में रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक, अब इसमें कैसे बनाओगे, इसमें देखो यहाँ से एच निकलेगा, इसमें यहाँ से एच निकलेगा, सॉरी यहाँ से एच निकलेगा, नहीं यहीं से निकलेगा ऊपर से, तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा आती जाएगी तो क्या होगा, इनऑल कंटेंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। थर्ड फैक्टर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा कि जब भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उस समय पे इनॉल कंटेंट क्या होता है, बढ़ जाता है। जब भी क्या होगी, इनॉल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उस समय पे क्या होगा, इनॉल कंटेंट ज़्यादा आएगा। जैसे अगर हम इन दोनों क्वेश्चन में कंपेयर करें, इन दोनों में कंपेयर करें तो इसमें देखो इनॉल बनाया और इसमें इनॉल बनाया, जो इसमें इनॉल बनाया उसमें देखो ध्यान से कि उसमें क्या हो रही है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रही है, छः मेंबर की रिंग बन रही, बढ़िया बेहतरीन। देखो ये छः मेंबर की रिंग बनती हुई दिखाई दे रही, ठीक, तो ये छः मेंबर की रिंग बन रही तो क्या हो रही है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए इनॉल कंटेंट किसका ज़्यादा होगा, जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है जिसमें, बेहतर, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से समझ में आ रही होगी बात। ठीक, फिर बात करते हैं एरोमेटाइजेशन की। एरोमेटाइजेशन में क्या होगा, इनॉल कंटेंट उसका ज्यादा होगा जिसमें इनॉल कैसा हो रहा होगा, एरोमेटाइज हो रहा होगा, तो ऑब्वियसली जब एरोमेटिक होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो इनॉल कंटेंट इसका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात। ठीक, ये क्या हो गई, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात हो गई। यहाँ तक हम लोगों ने टॉटोमेरिज्म, बाकी सब तरह की आइसोमेरिज्म देख ली, तो हम लोगों ने लगभग 42 मिनट में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो अब चलो हम लोग बात करेंगे किसकी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट ओरिएंटेशन इन 3D स्पेस। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, किसमें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशन। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आर दोज आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स इन विच द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट द पोजीशन ऑफ द एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन 3D स्पेस इज डिफरेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करनी है क्या, सबसे पहले पढ़नी है हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेज इन अ मॉलिक्यूल वेयर देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। अगर हम दो एटम्स के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन डेवलप कर पाए तो वो क्या हो जाएगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने लगेगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है, इस बात को समझने हैं तो लिखते हैं टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है कि अगर हमने डबल बॉन्ड के अबाउट कर दिया तो डबल बॉन्ड के अबाउट देखो जरा इसे ध्यान से देखना। ठीक, ये दिख रहा है मॉलिक्यूल। ठीक, अब इसमें जो व्हाइट और ब्लैक वाली बॉल्स हैं, दो ब्लैक वाली भी दिख रही है ना, दो ब्लैक और दो व्हाइट। ठीक, अगर हम चाहें तो इसे हम रोटेट करना चाहें तो इसे रोटेट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि ये टूट जाएगा। देखो ये डबल बॉन्ड बना हुआ ना बीच में, ये बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड बना हुआ है बीच में, देखो हम इसे रोटेट नहीं कर सकते। अगर रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। अगर ये टूट जाएगा तो इसका मतलब इसे हमें अगर यहाँ से उठा के इस ब्लैक वाली बॉल को अगर हमें इस वाइट वाली बॉल की जगह रिप्लेस करना है, क्या करना है, ब्लैक वाली बॉल को उठा के वाइट वाली बॉल की जगह रिप्लेस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड को नया बनाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब कि हम इसे रोटेट करके ये नहीं बना सकते, तो ये क्या हो गए, इसका मतलब ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब देखो वाइट वाली बॉल्स कैसी आ गई, अपोजिट आ गई, ध्यान से देखो, अब वाइट वाली बॉल्स कैसी आ गई, अपोजिट आ गई, वाइट वाली बॉल्स अपोजिट आ गई। तो क्या कि हमने इसे रोटेट करके नहीं बनाया, क्या करा, इसे बॉन्ड को तोड़ना पड़ा। तो जब दोनों सेम तरह की बॉल सेम साइड होती है तो उस फॉर्म को हम कहते हैं क्या, सिस फॉर्म कहते हैं, और जब सेम चीज़ अपोजिट साइड होती है तो हम उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म। और ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल नहीं है, ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल नहीं है, इन्हें आपस में इंटरकन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों आपस में क्या है, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड हेंस दे आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो ध्यान रखना कि ये दोनों आपस में सेम नहीं है, नॉट इक्वल टू।
ठीक, तो इन्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहेंगे। अब दूसरी तरह का रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है कि रिंग में, रिंग में हमने मान लिया कि तीन मेंबर की रिंग है। देखो तीन मेंबर की रिंग में क्या करेंगे, ए और बी ऐसे लगे हुए हैं, जब ए और ए सेम साइड है तो कैसा है सिस, और ए और ए अपोजिट साइड है तो क्या है ट्रांस। अब जरा देखो, जरा रिंग वाला भी देख लिया, तो मैंने ये चार मेंबर की रिंग ले ली, तीन की जगह चार ले ली क्योंकि चार मेंबर की रिंग ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगी। तो जरा इन वाइट वाली बॉल्स को देखो, इन दोनों को, ये दोनों ब्लैक वाली एक साइड है, वाइट वाली एक साइड है, अगर हम इसे घुमाना चाहें तो क्या रिंग का क्या होगा, रिंग का रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगी रिंग। तो इसे हमें घुमाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तोड़ के नई रिंग बनानी पड़ेगी अगर हम इस रेड वाली को, मतलब वाइट वाली को ब्लैक की जगह और ब्लैक वाली को वाइट की जगह ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही करना पड़ेगा, और तो कोई तरीका नहीं है ना। देखो ये भी वैसे डबल बॉन्ड जैसा दिख रहा ना तुम्हें शेप में, तो इस पे हम कहते हैं कि रिंग के अबाउट भी क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, तो रोटेशन इज नॉट अलाउड, तो ये दोनों आपस में सेम नहीं है, तो मतलब क्या है, दे आर शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को GI से लिख लेंगे, ठीक है, तो दे आर शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। कैसे होता है कि हमने मान लिया कि ये ग्रुप अगर एब्सेंट हो, अगर ये ग्रुप एब्सेंट हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये चारों ना हो, अगर ये ग्रुप ना हो तो क्या होगा, ये सारी रिंग क्या होगी, एक प्लेन में होगी। जब ग्रुप आ गए तो ग्रुप आने की वजह से क्या हुआ, बड़े बड़े ग्रुप आने की वजह से इनके बीच में क्या हुआ, रिपल्शन चालू हो गए, स्टेरिक, ये क्या हो गए, स्टेरिक रिपल्शन आ गए। इन स्टेरिक रिपल्शन को दूर करने के लिए क्या करें कि हम बीच वाली रिंग को अगर आउट ऑफ प्लेन ले जाएं, बीच वाली रिंग को क्या करें, आउट ऑफ प्लेन ले जाएं, मतलब अभी सारी रिंग ऐसे ही है तो एक रिंग को ऐसे ले जाएं, जिससे कि क्या होगी, देखो भाई अभी ये सारी रिंग ऐसी थी तो देखो अंगूठे अंगूठे सेम प्लेन में थे तो क्या कर रहे थे, आपस में रिपेल कर रहे थे, हमने इन्हें परपेंडिकुलर प्लेन में कर दिया तो अब अंगूठे कैसे हो गए, दूर हो गए, जब दूर हो गए तो रिपल्शन कम होगा, तो हम बीच वाली रिंग को कहाँ ले गए, आउट ऑफ प्लेन ले गए। जब आउट ऑफ प्लेन ले गए तो हमने क्या कहा, अब हमें मजा आया कि भाई रिपल्शन तो खत्म हो गया, तो हम क्या करें, इस रिंग को इस बॉन्ड के अबाउट क्या घुमाया जा सकता है, जिससे BR ऊपर आ जाए और CL नीचे आ जाए। जब तुम ऐसा घुमाने की कोशिश करोगे तो इन दोनों की रिंग के प्लेन में आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें एक्सिस क्रॉसओवर करनी पड़ेगी, तो ये भी आपस में आप एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल नहीं होते हैं, जिससे ये भी क्या है, GI है। सोच के इमेजिन करके देखो यार, थोड़ा सा इमेजिन करना ही पड़ेगा कि जब तुम CL को मान लो कि भाई मान लो ये एक, मैं तीन हाथ तो है नहीं, दो ही है, दो ही से बता पाऊंगा, ये यहाँ पे था, ये यहाँ चला गया था, अब तुम कहोगे इसे हम फिर से नीचे लाना चाहते हैं, तो कैसे लाओगे, जब इसे अंगूठे को यहाँ से यहाँ ला रहे होगे तो ये यहाँ पे आने ही नहीं देगा ना सेम प्लेन में, क्योंकि इसे इसके बिना नीचे जा ही नहीं सकते, तो जब ये नीचे नहीं जा सकता तो बीच में आने नहीं देगा, तो क्या करेगा भाई, नया बॉन्ड कंपाउंड बनाओ, ऐसे बार बार रोटेट करने की नौटंकी मत करो, क्योंकि अभी तो मैं भगाया था, इस रिपल्शन की वजह से तो भागे थे एक दूसरे से दूर, तो ये यहाँ से यहाँ घूम नहीं सकता। सिंपल बात है, बात समझ में आनी चाहिए, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, किसी को भी नहीं होनी चाहिए, आसानी से समझ में आ गई तो अच्छी बात है, फिर आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ ही रही होगी यार, नहीं आ रही, ठीक, चलो मान लेते हैं कि आ गई बात समझ में। अब चौथी चीज देख लेते हैं, क्या, एरियल डिस्टेंस। एरियल डिस्टेंस वही है कि अगर हम ए और ए के बीच की डिस्टेंस नापें और ए और बी के बीच की डिस्टेंस, ए और ए के बीच की डिस्टेंस ट्रांसवर्सेस आइसोमर में नापे तो वो आपस में कैसी, सेम नहीं आनी चाहिए। कैसी नहीं आनी चाहिए, सेम नहीं आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आई तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो रही है। अगर एरियल डिस्टेंस सेम नहीं आई तो हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो रही है। बात समझ में आई इतनी, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कब होगी, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तीन तरह का देखा हमने, सिस ट्रांस वाला देखा, रिंग के अबाउट देखा, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से देखा, ठीक, डबल बॉन्ड, रिंग और स्टेरिक हिंड्रेंस। और चौथी बात हमने देखी एरियल डिस्टेंस की, एरियल डिस्टेंस दो सेम ग्रुप का किसी भी कन्फर्म, मतलब दोनों फॉर्म में, सिस और ट्रांस फॉर्म में, या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर्म में सेम नहीं होनी चाहिए, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, ठीक। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ GI अगर हमें देखना हो, नॉमेनक्लेचर ऑफ GI कैसे देखेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नाम हम रखते हैं सिस ट्रांस, EZ और SNNT। तो सबसे पहले करते हैं सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म में सिस मतलब होता है क्या, सिसोइड, सिसोइड का मतलब होता है सेम, और ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसोइड, यानी कि अपोजिट साइड। सिस का मतलब सेम और ट्रांस का मतलब अपोजिट, तो ए और ए सेम साइड है तो इसे हम कह रहे हैं सिस, ए और ए अपोजिट साइड है तो हम इसे क्या कह रहे हैं ट्रांस। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कि दो सेम ग्रुप सेम साइड है तो उसे हम क्या कहेंगे सिस, और दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो उसे क्या कहेंगे ट्रांस कहेंगे, ठीक। तो हमें इसमें सिस ट्रांस बताने हैं कि कौन सिस है और कौन ट्रांस है। तो देखो क्या हो रहा है इसमें भाई,
कि CS3 सेम साइड है, CS3 क्या है, सेम साइड है, सेम साइड है तो क्या कहेंगे हम इसे, सिस कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, ट्रांस चेसिस और HRS देख लो चाहे इसमें, तो CS3 ना देखो तो HRS देख लो, ठीक। तो ऐसे ही बाकियों के नाम करते हैं, तो इसमें देखो दोनों एच सेम साइड है तो ये क्या हो गया सिस, इसमें भी देखो दोनों एच सेम साइड है तो क्या हो गया सिस, इसमें देखने जरा बॉन्ड एंगल की तरफ से, तो इसमें बॉन्ड एंगल तुम देखो इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि बॉन्ड एंगल 120 ही रहना है, तो बॉन्ड एंगल 120 रखने के लिए, बॉन्ड एंगल 120 रखने के लिए एच हमें अपोजिट साइड लगाने पड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगी ट्रांस। जब मल्टीपल बॉन्ड एक से ज़्यादा होंगे तो हमें सब पे करना पड़ेगा, तो ये भी सिस हो गया और ये भी सिस हो गया। इसमें देखो यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे आया और यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर आया, फिर से एंगल कितना रखना हमें 120, तो ये क्या आ गई ट्रांस आ गई फॉर्म, और यहाँ से कैसी आ गई ये सिस आ गई, ठीक। एफ और एफ अपोजिट तो ट्रांस, एफ और एफ सेम तो सिस, ठीक। इतनी बात तो क्लियर कट समझ में आई रही होगी, ठीक। तो सिस्टांस आइसोमर तुम बात समझ में आ गई, अब अगर सिस्टांस तुम्हें समझ में आ गई है तो फिर हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इजी नोमेनक्लेचर की। इजी नोमेनक्लेचर के लिए क्या करें, फर्स्ट कहाँ पे गए हम लोग कि इन दोनों को जरा ध्यान से देखना, गौर फरमाइए इन दोनों पे महाराज, कि इन दोनों में कोई भी दो ग्रुप सेम नहीं है, तो तुम ये कह सकते हो कि एफ बी आर के सिस है और एफ बी आर के ट्रांस है, लेकिन सिस और ट्रांस हम नहीं कह सकते, क्योंकि सिस और ट्रांस कहने के लिए कम से कम दो ग्रुप सेम होने चाहिए, और अगर एक कार्बन में दो ग्रुप सेम हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। इसमें हम को यहां बात लिख देते हैं, इफ टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर सेम एट रोटेशन एटम देन इट वोंट शो GI। मतलब इसमें कहेंगे कि ये नो GI वाला केस है, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन है एक जैसे, तो ये क्या करेगा, कोई आइसोमेरिज्म सो GI नहीं करेगा। अब इसमें चारों ग्रुप अलग हो गए यार, चारों ग्रुप अलग हो गए तो इनका हमें सिस्टांस तो मैंने कह नहीं पाएंगे, तो हम इनके लिए कोई एक नया नोमेनक्लेचर डिफाइन करेंगे, जिससे हमने क्या कहा EZ नोमेनक्लेचर कहा, ठीक। तो लिख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें, कि वी कैन नॉट क्लासीफाई देम एज सिस और ट्रांस बिकॉज देयर नो टू ग्रुप्स आर सेम ऑल आर डिफरेंट। अगर सारे डिफरेंट है तो हम क्या कहेंगे उसे ई और जी कहेंगे, ई फॉर एंटेगनन, एंटेगनन मीन्स अपोजिट, ई फॉर अपोजिट और जी फॉर सेम साइड, ठीक। तो इसके लिए हमें CIP रूल पढ़ना पड़ेगा, CIP रूल भी रिवाइज करवा दे रहा हूँ, फटाफट देख लो, इसमें बिल्कुल भी टाइम जाया नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी कर लेंगे CIP रूल भी, है ना। तो CIP रूल क्या कह रहा है, CIP रूल का मतलब होता है कान इनगोल्ड प्रीलॉग रूल, तीन साइंटिस्ट है कान इनगोल्ड और प्रीलॉग। तो रूल नंबर वन क्या है कि सारे रूल्स को सीक्वेंस में फॉलो करना है, तुम्हें किसी ने कुछ भी पढ़ाया हो आई डोंट केयर, यही रूल्स है इन्हीं को सही से फॉलो करना है, ठीक है। कि हायर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी द प्रायोरिटी, जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा प्रायोरिटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। तो FCl BrI में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, आई की, SFONCH में किसकी ज़्यादा होगी, सल्फर की। ये तो बहुत सिंपल है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो प्रायोरिटी ज़्यादा, ठीक है, सिंपल बात है। तो अगर हमें इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी हो तो कैसे करेंगे, एक कार्बन पे देखो यहाँ पे Cl और F में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, Cl की, इसमें Br और I में I की। तो अगर सेम प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड तो उसे हम कहते हैं जी फॉर्म, लिखते सेम प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड देन इट इज जी, तो ये कैसा हो गया जी हो गया, ठीक। और सेम प्रायोरिटी, सेम एटम नहीं कह रहे प्रायोरिटी कह रहे हैं, ध्यान रखना, सेम प्रायोरिटी इज ऑन द अपोजिट साइड देन इट इज ई फॉर्म, देन इट इज ई फॉर्म,
तो इसे हम क्या कहेंगे, सेम प्रायोरिटी अगर अपोजिट साइड होगी तो उसे हम ई कहेंगे, और सेम साइड होगी तो उसे क्या कहेंगे, जी कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसमें प्रायोरिटी इसकी वन हो गई, इसकी टू हो गई, इसकी क्या हो गई वन हो गई, और इसकी क्या हो गई टू हो गई, तो ये क्या हो गया ई हो गया, क्योंकि सेम प्रायोरिटी क्या हो गई अपोजिट। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो एल टू है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एल वन है, और एल वन इज नॉट इक्वल्स टू एल टू भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इन केस ऑफ आइसोटोप्स क्या कहेंगे, इन केस ऑफ आइसोटोप कहेंगे हायर द एटॉमिक मास हायर विल बी द प्रायोरिटी। तो टीडीएच में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, टी की प्रायोरिटी ज्यादा होगी किससे, डी से, और डी की प्रायोरिटी ज्यादा होगी एस से। जिसका मास नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, लेकिन केवल आइसोटोप्स के केस में होगा, ध्यान रखना केवल और केवल आइसोटोप्स के केस में होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आगे बात करें, कह रहे सिस फॉर्म हैज मोर प्रायोरिटी देन ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म की प्रायोरिटी ज्यादा होगी किससे, ट्रांसफॉर्म से, और जेड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी किससे, ई से। सिस की प्रायोरिटी ज्यादा है ट्रांस से, और जेड की प्रायोरिटी ज्यादा है ई से। ठीक, फॉर मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड ओनली सब रूल्स ए एंड बी आर इंपॉर्टेंट। मतलब पहले दो रूल से ही काम चल जाता है। अब हम करते हैं इलेबरेट किसे, रूल नंबर ए को। कह रहा है एटम डायरेक्टली अटैच्ड, पढ़ लेते हैं जरा ध्यान से, एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम मस्ट बी सीक्वेंस्ड फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द सब रूल ए। ठीक, इफ द प्रायोरिटी स्टिल रिमेन्स द सेम देन वन पासिस ओवर टू द नेक्स्ट एटम इन द ग्रुप एंड एक्सप्लोरेशन कंटिन्यूज अंटिल अ डिसीजन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ सब रूल ए। क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं, बहुत कठिन लिखा है, दिमाग खराब हो गया क्या, कि एटम डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम मस्ट बी सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द सब रूल ए। ठीक, डायरेक्टली अटैच है तो हम कहेंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। इफ द प्रायोरिटी रिमेन सेम, अब प्रायोरिटी कैसी रह गई, सेम रह गई, देन द सेम देन वन पासिस ओवर, अब हम आगे बढ़ जाएंगे कहाँ, नेक्स्ट एटम पे इन द ग्रुप एंड एक्सप्लोरेशन करते रहेंगे जब तक कि एक चेंज इनकाउंटर ना हो। ठीक, जहां पे चेंज इनकाउंटर होगा वहीं पे कह देंगे कि प्रायोरिटी इसकी ज्यादा होगी, सिंपल बात। चलो तीन क्वेश्चन है, देखो यहां से, यहां पे क्या है CH2, यहां पे भी CH2, तो लड़ाई बराबर हो गई। यहां पे क्या है कार्बन, और यहां पे क्या है हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, कार्बन की। यहां पे CH2, यहां पे CH2, लड़ाई बराबर हो गई। यहां पे ऑक्सीजन और यहां पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कौन जीत गया, ऑक्सीजन। ठीक, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे ब्रोमीन, यहां पे क्लोरीन, तो ब्रोमीन जीत गया। समझ में आ रही प्रायोरिटी कैसे कर रहे हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, जिसका मतलब एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी भी ज्यादा रखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी पूरी तरह से। अब इट मे बी नोटेड दैट द सब रूल बी मस्ट नॉट बी यूज अंटिल द सब रूल वन इज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। मतलब जब तक हम सब रूल वन को कम्प्लीटली एग्जॉस्ट नहीं कर लें तब तक हम उसे यूज नहीं करेंगे, यानी कि हम ड्यूटेरियम आइसोटोप इफेक्ट को तब यूज करेंगे जब हमारा फर्स्ट रूल खत्म हो जाए। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे देखा कार्बन, यहाँ पे कार्बन, अब यहाँ पे ड्यूटेरियम में देखेंगे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यही जीत गया। लेकिन यहाँ पे कार्बन है, 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 यहाँ पे कार्बन है। अब जब तीनों कार्बन कार्बन आ गए तो हम क्या करेंगे, ड्यूटेरियम को देखेंगे, तो ड्यूटेरियम वाला जीत जाएगा। अंतर समझ में आया दोनों में कि नहीं आया, क्लियर कट आ रहा है, बात बढ़िया समझ में आ रही है। ध्यान से एक बार रिपीट सुन लेना अगर चाहो तो इसे, मतलब CIP को, तब भी तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक, अब इन केस ऑफ ग्रुप बाइफर्केट्स, अगर हम चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं यार, कोई मतलब कंपल्शन थोड़ी है ये पढ़ाने का, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। इन केस ऑफ अ ग्रुप बाइफर्केट्स वन मस्ट प्रोसीड्स अलोंग द ब्रांच प्रोवाइडिंग द हाइएस्ट प्रेसिडेंट अंटिल अ डिफरेंस इज एनकाउंटर्ड। कहाँ चलना पड़ेगा, हम उधर साइड जाएंगे जहाँ पे ब्रांचिंग में जहाँ पे हाईएस्ट प्रेसिडेंस हो, मतलब जहाँ पे प्रायोरिटी ज़्यादा आ रही हो। एंड वंस डिसीजन इज मेड एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे पहली बार मिलेगा वहीं पे हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि क्या किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, एंड कैन नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट फार्दर अलॉन्ग द चेन। जो मतलब दूर में कार्बन है उनसे हम क्या करेंगे, उनके कंसिडरेशन सोच के कि बहुत दूर हमें रसगुल्ला रखा है इसलिए आज नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं करेंगे, दूर की सोच के पहले वाले को, मतलब हिंदी में कहावत है आधी छोड़ पूरी को भागे, आधी मिले ना पूरी पावे, है ना, मतलब आधी को छोड़ के पूरी के लिए भाग खड़े हुए, तो आप पूरी भी चली गई और आधी भी चली गई। ठीक, तो इसमें अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन को करने का तरीका देखो कैसा रखेंगे अपना।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे सी एस थ्री, यहाँ पे सी एस थ्री, यहाँ पे सी एस टू, यहाँ पे सी एस टू, अभी तक लड़ाई बराबर चल रही, यहाँ पे सी एल आया, यहाँ पे सी एस थ्री है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, ठीक। यहाँ पे सी एस टू, यहाँ पे सी एस टू, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ऊपर सी एस थ्री, यहाँ पे ऊपर सी एस थ्री, यहाँ पे सी, यहाँ पे एच, अरे ये जीत गया यहीं पे, क्योंकि आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ सी एस टू था, यहाँ पे भी सी एस टू था, उसके आगे बढ़ने पे यहाँ पे ओ एच आ रहा था, उसे हम ध्यान नहीं देंगे, जहाँ पे अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहीं पे हम डिसाइड कर देंगे कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब तो मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक। अगला रूल क्या कह रहा है, इन केस ऑफ एटम विद मल्टीपल बॉन्ड्स, जिसमें मल्टीपल लिंकेजेस हैं, द एटम टू विच दे आर मल्टीपली बॉन्डेड मस्ट बी डुप्लीकेटेड और ट्रिप्लीकेटेड एज द केस मे बी एट द बोथ एंड ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड्स। दोनों एंड पे क्या करते हैं, क्या करते हैं कि जैसा भी केस आ रहा है उसके हिसाब से क्या करेंगे, या तो डुप्लीकेट कर देंगे या फिर ट्रिप्लीकेट कर देंगे। कैसे करेंगे, तो मान लो कि ये सी ओ एच और यहाँ पे तीन ओ एच लगे, तो कैसे डुप्लीकेट करना सिखाते। तो मैं देखो कि हमने कार्बन था, हमारे पास कार्बन से एक ओ एच तो जुड़ा ही हुआ था, अब डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ है, तो डबल बॉन्ड ओ का मतलब मान लेंगे दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और एट बोथ एंड कह रहा है, इसलिए ऑक्सीजन को भी कार्बन से जोड़ देंगे, ठीक। अब जरा कंपेयर करो इससे कि यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे सी, यहाँ पे एच, तो कौन जीत गया, कार्बन जीत गया। बोथ एंड वाला फंडा जरूरी है ध्यान रखने के लिए, ठीक है। तो सीआईपी रूल आने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इजर नॉमेनक्लेचर के, इजर नॉमेनक्लेचर कुछ क्वेश्चंस कर ले भाई, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी और तुम्हारा कॉम्प्रिहेंसिवली चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, है ना। फिर इसके बाद ऑप्टिकल बस्ती है, ऑप्टिकल थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग, ऑप्टिकल की ज़्यादा क्वेश्चंस एडवांस में आते हैं, मेंस में तो उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के छोटे छोटे सवाल आएंगे वो हम लोग कर ही लेंगे, है ना, ठीक। बात समझ में आ ही रही होगी। तो इजी नॉमेनक्लेचर के लिए क्या करें, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में तो हम नंबरिंग पहले कर चुके हैं कि ब्रोमीन की पहली है, फ्लोरीन की दूसरी है, आयोडीन का पहला है और इसका क्लोरीन का दूसरा है, तो ये क्या हो गया जी, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, फ्लोरीन और नाइट्रोजन में, तो ये भी क्या हो गया जी, ठीक है। यहाँ पे ईटी और एमई में ईटी का ज़्यादा नंबर होगा, क्योंकि ईटी में दो कार्बन है और इसमें एक ही कार्बन है, ब्रोमीन और एच में, तो ये क्या हो गया जी। अब इसमें क्या है, ये तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे ट्रांस भी लिख सकते हैं या फिर इसका नंबर वन, नंबर टू, नंबर वन, नंबर टू, ये ज़्यादा बढ़िया तरीका है, तो इसे ई लिख देंगे। ऐसे डी और एच में डी की प्रायोरिटी ज़्यादा, एच की कम, एफ की ज़्यादा, डी की कम, तो क्या गया जी आ गया। ऐसे ही सी एस थ्री की ज़्यादा, एच की कम, ओ एच की ज़्यादा और सी ओ एच की कम, जबकि सी ओ एच में ज़्यादा ऑक्सीजन है लेकिन हम पहले कनेक्टिंग आइटम को देख रहे हैं, तो ये क्या आ गया जी आ गया, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आसानी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सिनेंटी नॉमेनक्लेचर कब यूज होता है, सिनेंटी नॉमेनक्लेचर इसलिए यूज करना पड़ा क्योंकि हमें सीआईपी में कहीं पे भी लोन पेयर की बात नहीं की थी। तो ऑक्साइम जैसे कंपाउंड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ध्यान से देखो तो ये क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, क्योंकि लोन पेयर की पोजीशन देखो, OH और CH3 यहां पे L1 डिस्टेंस पे है और OH और CH3 यहां पे देखो ध्यान से तो कितनी दूरी पे है, L2 दूरी पे है और L1 इज नॉट इक्वल टू L2 है, L1 नॉट इक्वल टू L2 है। अगर L1 L2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो इन्हें हम सिनेंटी कहते हैं। सिन का मतलब सेम साइड, एंटी का मतलब अपोजिट। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि एक सिन है एक एंटी, इसमें हमें विद रिस्पेक्ट टू बताना पड़ता है। जैसे अगर हम लिखें तो लिखेंगे एच इज सिन विद रिस्पेक्ट टू OH, OH के सेम साइड है H और CH3 इज एंटी टू OH, OH के रिस्पेक्ट में बोलेंगे हमेशा, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे, OH के रिस्पेक्ट में बोलेंगे हमेशा, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड फॉर ए कंपाउंड टू शो GI कितने आएंगे, जरा आंसर बताना भाई कितने आने चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या है, जीरो, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं लिखा है, इसलिए हम इमाइड या डाइमाइन भी ले सकते हैं। देखो ये कंपाउंड जरा ध्यान से देखना, ये दोनों क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। इसमें H कैसा है, सिस है, ये सिन है, एच एच सिन है और एच एच कैसे हैं, इसमें एंटी है। तो कितने कार्बन चाहिए, जीरो कार्बन चाहिए। कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मैंने कहा था, मैंने केवल कहा था कितने कौन सा कंपाउंड चाहिए, ठीक। अब इन केस ऑफ साइक्लोएल्केन, ये इंपॉर्टेंट बात है, इन्हें जरा ध्यान से सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा सेहत के लिए, कि इन केस ऑफ साइक्लोएल्केन्स क्या होता है कि 3 से 7 मेंबर के रिंग्स
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई बॉन्ड की वजह से शो नहीं करती, क्योंकि वो रिजिड रिंग है, छोटी रिंग है, जैसे ये रिंग कैसी थी छोटी, अगर हम पाई बॉन्ड लगाते तो उसकी वजह से आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर नीचे तो इसे घुमा ही नहीं सकते, रिजिड है ना, ठीक है। तो 3 से 7 मेंबर की रिंग कैसी है, रिजिड रिंग है, तो पाई बॉन्ड की वजह से आइसोमेरिज्म शो नहीं करती हैं, 8-9 वाली शो करती हैं, 8-9 वाली शो करती हैं, और उनके लिए जो सिस फॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है किससे, ट्रांसफॉर्म से। इन जनरल क्या होता है, ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल, लेकिन जब 8-9-10 की रिंग होती है तो उसके लिए सिस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है किससे, ट्रांसफॉर्म से। और 11-12-13 के लिए वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती है, और उनके लिए फिर से ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होने लगती है सिस फॉर्म से। तो अगर हम साइक्लोऑक्टेन की ट्रांसफॉर्म और सिस फॉर्म बनाएं, तो देखो सिस फॉर्म में 8 कार्बन गिनती कर लो जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे कर सकते हैं, है ना, तो इसमें भी नंबरिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये कैसी है, ये ट्रांसफॉर्म है लिखा है ना, ये ट्रांस, और ये कैसी है सिस है। बात समझ में आ रही होगी, इसमें ज़्यादा मुश्किल की बात है नहीं, लेकिन हम इसमें ये काम नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते। अब कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स करते हैं कि इफ द एंड ग्रुप्स आर डिफरेंट, अगर एंड ग्रुप डिफरेंट हैं और तो मॉलिक्यूल कैसा कहेंगे, दैट इज द मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, 2^n, वेयर n इज स्टीरियो सेंटर्स और एरिया वेयर द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज पॉसिबल, ठीक। जैसे अगर इसमें सिमेट्रिक है तो इसमें क्या है, अनसिमेट्रिकल है तो इसमें कितना है, एक है, तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए, 2 हो गए, एक सिस और एक ट्रांस। लेकिन अगर एंड ग्रुप सेम है, यानी कि कंपाउंड कैसा है, कंपाउंड हमारा कैसा है, सिमेट्रिकल है, तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं 2^(n-1) + 2^(p-1)। ध्यान रखेंगे इस बात को, तो p की वैल्यू n बाई 2 होगी जब n इवन होगा, और n + 1/2 होगी जब n ऑड होगा, ठीक है। तो ये आ गया, n इज ऑड के लिए आ गया। अब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म निकालने, देखो ये क्या सिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल, इसमें 2 n की वैल्यू 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने आ जाएंगे, आ जाएंगे 2^(2-1) + 2^(2/2-1), यानी कि 2^(1) + 2^(0), यानी कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, ठीक। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आती है डाइपोल मोमेंट की बात। तो इन जनरल क्या होता है, सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है किससे, ट्रांसफॉर्म से। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं दोनों तरफ, तो क्या होगा कि वो दोनों अपनी तरफ खींचेंगे, और अपोजिट तरफ लगे हुए हैं तो क्या करेंगे, म्यू को जीरो कर देंगे। व्हेन वन ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड अदर इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो उस टाइम पे सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा ट्रांसफॉर्म से, क्योंकि ये क्या कर रहा होगा, ये देखो ये अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये भेज रहा होगा, इसमें क्या होगा, ये अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये भेज रहा होगा, तो इसमें डायरेक्शन कैसा आ जाएगा, सेम आ जाएगा, तो इसका म्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा, दोनों में डाइपोल मोमेंट होगा। तो अगर हम इसका म्यू 2 लिख दें और इसका म्यू 1 लिख दें, तो म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1 आ जाएगा, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिकुलर वेट पे, सरफेस एरिया पे, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, और डाइपोल मोमेंट पे। सिंपल बात है, मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, पैकिंग एफिशिएंसी पे, वैन डर वाल फोर्स पे, और वाइड स्पेसेस पे। इन जनरल जो होता है मेल्टिंग पॉइंट ट्रांसफॉर्म का ज्यादा होता है किससे, सिस फॉर्म से, ठीक। अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी हम कैसे करते हैं कि हम एक अनपोलराइज्ड लाइट को किसी निकोल प्रिज्म या पोलराइजर से पास करा के प्लेन पोलराइज लाइट बनाते हैं, और प्लेन पोलराइज लाइट को ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन से पास करते हैं, तो वो लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देती है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है तो उसे हम कहते हैं क्या, डेक्स्टर रोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करती है तो उसे कहते हैं लेवर रोटेटरी। तो जो डेक्स्टर हमने शब्द लिया है उसका मतलब ही राइट होता है, ठीक। तो डेक्स्टर केम का मतलब ये राइट केमिस्ट्री है ना, यहीं से लिया है डेक्स्टर मैंने, मैं और तो कोई शब्द सोच नहीं पाया, यहीं से सोच पाया तो पता नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि सब्सटेंस विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सब्सटेंस इज नोन एज, प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। अ सब्सटेंस विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर कॉल्ड डेक्स्टर रोटेटरी, और जो लेफ्ट में रोटेट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लेवर रोटेटरी कहते हैं। डेक्स्टर रोटेटरी सब्सटेंसेज को प्लस या डी से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, और लेवो को एल या माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो नहीं क्या कहेंगे, लेवर रोटेटरी कहेंगे। अब स्पेसिफिक रोटेशन का इसका एक सवाल आ सकता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई अल्फा डी 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अल्फा को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं, टी टेम्परेचर है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, कोने में लिख दी है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है,
अल्फा डी होता है जो फिक्स होता है इसके रेफरेंस के लिए और किसी टेम्परेचर और वेवलेंथ के लिए एक फिक्स नंबर है, वो चेंज नहीं होता। डी सोडियम वेपर लैम्प की लाइट है। अल्फा डी 80 डिग्री सेंटीग्रेड, थीटा अपॉन एल इनटू सी, थीटा ऑप्टिकल रोटेशन है, एल इज द लेंथ इन डेसीमीटर क्यूब, ध्यान रखना किसमें है, डेसीमीटर क्यूब में, और सी कॉन्सेंट्रेशन है ग्राम पर एमएल में। ठीक, अब कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए, देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी के ज्यादा क्वेश्चन उसमें नहीं मिलेंगे तुम्हें, है ना। और एक काम ध्यान रखना कि यार कन्फर्मर वाला लेक्चर फुल लेंथ से देख लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे, है ना। हम लोग 70 मिनट पहले पहुंच गए और डेढ़ घंटे से ज़्यादा तो इसे कर भी नहीं सकते, है ना। तो कन्फर्मर वहाँ से देख लेना, इसमें कन्फर्मर कमी बताऊंगा, है ना। ठीक, कन्फर्मर वाला देख जरूर लेना, भूलना मत, ध्यान से देख लेना यार, है ना। रिक्वेस्ट है मेरी, लास्ट लेक्चर ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक, अध्याय बैच का। इन ऑर्डर टू बी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मस्ट बी अनसिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल और काइरल, ठीक है। इट शुड बी नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज लाइक द पेयर ऑफ हैंड्स कॉल्ड हैंडेडनेस, जैसे हमारे हाथ एक दूसरे के क्या है, हमारे हाथ एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, ध्यान से देख लो। अगर अंगूठी निकाल दूँ तो मिरर इमेज ही लगेंगे ना, लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे करके ओवरलैप नहीं कराना, इसे क्या करना है, हैंडेडनेस में, मतलब इसे ऐसे ओवरलैप कराएंगे, मछली जल की रानी करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो गए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हो गए। तो मैंने क्या कहेंगे, ये कैसे हैं, हमारे ऑप्टिकली एक्टिव है, हमारी बॉडी ही पूरी ऑप्टिकली एक्टिव है, हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो सब ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव हम लोग कोई काम नहीं करते। अब हम मॉलिक्यूल को पहचानेंगे कैसे, कि ये कई लोगों के मन में भ्रम होता है कि अगर कायरल सेंटर है तो ही मॉलिक्यूल को कायरल कहेंगे या ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे, ऐसा नहीं कहते हैं। कायरल सेंटर होना एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है, केवल सफिशियंट कंडीशन है, कि होगा तो फिर ठीक है, लेकिन दो नेसेसरी जो सफिशियंट कंडीशंस क्या हैं, कि उसमें कोई POS नहीं होनी चाहिए, कोई COS नहीं होनी चाहिए। तो अब मॉलिक्यूल, फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इट शुड नॉट हैव फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज, उसे POS नहीं होनी चाहिए, COS नहीं होनी चाहिए और AAOS नहीं होनी चाहिए। एक्सेस ऑफ सिमेट्री का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। चलो अब बात आती है सेंटर ऑफ सिमेट्री की। सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ एन, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एन इन्वर्जन सेंटर इज अ पॉइंट विद इन अ मॉलिक्यूल सच दैट इफ एन एटम और पॉइंट इज जॉइंट टू इट द लाइन एक्सट्रापोलेटेड टू एन इक्वल एंड अपोजिट डिस्टेंस बियॉन्ड इट एनकाउंटर्स द इक्विवेलेंट एटम और पॉइंट। तो मतलब अगर हम किसी सेंटर से देखें तो अगर हमें एक्स में चलते समय ए डिस्टेंस पे एक्स पे मिला है ए, तो हमें माइनस एक्स पे क्या मिलना चाहिए, ए। वाई पे बी मिल रहा है तो माइनस बी पे भी हमें वाई, ने वाई पे भी क्या मिलना चाहिए, बी। और सी हमें मिल रहा है जेड पे तो माइनस जेड पे भी हमें क्या मिलना चाहिए, सी। ध्यान रखने की बात यह है कि ए बी सी कोई जरूरी नहीं कि बराबर हों। जैसे स्क्वायर में हमारी क्या होती है, सी वैस होती है, देखो सब कुछ बराबर दूरी पे। ऐसे ही हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स अगर देखने हैं यार लेक्चर, तो फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक बार उससे भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा तेज होगी, जिसे बिल्कुल नहीं आती मैं रिकमेंड नहीं करता कि यहाँ से देखो। ये उनके लिए जो रिवीजन कर रहे हैं, जो विजन नहीं है जिन्हें, वो पहले विजन करें ढंग से, दो घंटे के लेक्चर में वो पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वहाँ पे हुआ, आराम से कर लो उससे तसल्ली से, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज अ प्लेन विच डिवाइड्स द मॉलिक्यूल और ऑब्जेक्ट इनटू टू इक्वल हाफ्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, उस क्या करेंगे, इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को आधा आधा काट दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे, ठीक। काइरल सेंटर, काइरल मॉलिक्यूल और एसिमेट्रिक कार्बन क्या होते हैं, जिनके चारों वैलेंसी अलग अलग होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, काइरल सेंटर या काइरल कार्बन कहते हैं। उसे हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इसमें ए बी डी और एफ लगे हुए हैं, तो इसमें हम एस्ट्रिक लगा देते हैं या स्टार लगा देते हैं, और हम इसे क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा काइरल सेंटर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन क्या है कि इसमें फाइंड आउट द काइरल सेंटर इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, तो जरा फाइंड आउट कर लेते हैं फटाफट। देखो यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है और यहाँ पे भी मिथाइल लगा हुआ है, तो ये वाला तो काइरल हुआ नहीं। यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है इसके पास, तो ये वाला काइरल हो गया। ऐसे इसमें देखोगे तो ये काइरल हो जाएगा, ऐसे इसमें देखोगे तो ये काइरल है, ये काइरल है, ये काइरल है, चारों वैलेंसी अलग अलग है, ध्यान से देखते रहना। इसमें ये काइरल है, ये काइरल है, ये कैसा कार्बन है, ये भी काइरल है, ठीक। अगला देखो, इसमें कितने कार्बन है, एक काइरल, दो काइरल और तीन काइरल हैं। तो एग्जाम में सीधे सीधे काइरल सेंटर गिनने के भी सवाल आ जाते हैं, तो वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फिर इसमें देखो, इसमें ये काइरल है, ये काइरल है, ये काइरल है, ये काइरल है, तो इसमें कितने हो गए, चार हो गए। ऐसे इसमें देखो, गिनो भाई, एक काइरल, दो काइरल, तीन काइरल, चार काइरल,
पांच का एरर, छः का एरर, सात का एरर और आठ का एरर। तो इसमें आठ का एरर हो गए, ठीक है, गिन लोगे, आसान बात है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पता है, तो कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें आनी चाहिए, जो हमें पढ़ लेनी चाहिए और जिनके बारे में ढंग से पता होना चाहिए। आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल सीखने के लिए भाई देखो, रिवीजन क्लास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अलग से एक क्लास पूरी होनी चाहिए कायदे से तो, लेकिन हम लोगों के पास समय इतना कम है, जब एडवांस वाली सीरीज में रिवीजन करेंगे तो दो क्लास केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक क्लास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दो घंटे की करेंगे ढंग से, है ना, पूरी तरह से। अभी दो घंटे भी लगा देंगे तो कोई फायदा नहीं, समय बर्बाद ही है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पिछले साल तक कोई बहुत भारी सवाल नहीं आया, सिंपल सिंपल छोटे छोटे चिन्नू सवाल आते हैं, वो हम लोग कर ही देंगे, है ना, ठीक। और कोई आया होगा तो 2023 पूरा डिस्कस है, 2021 पूरा डिस्कस हो जाएगा, देख लेंगे कौन सा आ रहा है ना। लिख लें क्या, दोज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विच आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। जैसे हमारे क्या थे, हाथ एक दूसरे की क्या थे, मिरर इमेज, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज थे, तो क्या थे हमारे हाथ दोनों क्या आपस में इनेंशियोमर्स हैं, ठीक। इनेंशियोमर का मतलब क्या, नॉन सुपरइम्पोजेबल का मतलब क्या होता है कि इस मॉलिक्यूल को उठा के सच इसके ऊपर रख के देखो, तो देखो एच ओ डी ओवरलैप नहीं कर रहा है ना, तो ये क्या है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज से उठा के ऐसे रख दिया इसके ऊपर, तो देखो जो प्लेन के नीचे था वो प्लेन के नीचे ही रहा, जो प्लेन के ऊपर था वो प्लेन के ऊपर ही रहा, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो ये क्या है, पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स हैं। जब रेस्टिंग मिक्सचर बनते हैं तो क्या होता है, रेस्टिंग मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर्स। रेस्टिंग मिक्सचर कैसे हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर्स हैं। और क्या हो रहा है, दे आर फॉर्म व्हेन इनेंशियोमर्स आर फॉर्म इन इक्वल अमाउंट। जब इनेंशियोमर क्या होंगे, दोनों इक्वल अमाउंट बन जाएंगे, एक प्लस में लाइट को रोटेट करेगा, एक किस में करेगा, माइनस में करेगा, तो जब ऐसा होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, रेस्मिक मिक्सचर कहेंगे। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्माइजेशन, इसे हम क्या कहेंगे, रेस्माइजेशन। इफ द इनेंशियोमर्स आर फॉर्म इन अनइक्वल अमाउंट देन इट इज कॉल्ड पार्शियल रेस्माइजेशन। अगर वो अनइक्वल अमाउंट में बन रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, पार्शियल रेस्माइजेशन कहते हैं। रेस्मिक मिक्सचर्स कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। कैसे होते हैं, एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से रेस्टिंग मिक्सचर कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। बात समझ में आ गई। अब मीजो कंपाउंड कौन से होते हैं, मीजो कंपाउंड्स दोज कंपाउंड्स विच आर हैविंग कायरल सेंटर्स बट दे आल्सो पजेस आइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री आर कॉल्ड मीजो कंपाउंड। तो जिनमें कायरल सेंटर के साथ साथ क्या है, कायरल सेंटर के साथ साथ जिनमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो उन्हें क्या कहते हैं, मीजो कंपाउंड कहते हैं। और मीजो कंपाउंड कैसे होते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। कैसे, ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। रेस्टिंग मिक्सचर क्यों ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक। तो ये क्या बन गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो उसके बाद दो कायरल सेंटर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो हम इसे क्या कहेंगे, मीजो कंपाउंड। अब कोई कंपाउंड ऐसे भी हो सकते हैं जो दूसरे की मिरर इमेज ही ना हो, तो ऐसे कंपाउंड जो स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, ऐसे आइसोमर्स जो ऑप्टिकली एक्टिव तो हैं, स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है और स्टीरियो आइसोमर्स हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, डायस्टीरियोमर्स कहेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन जनरल क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स होते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस की बात करें तो हम फिशर वेज, फ्लाइंग वेज, फिशर और फिशर प्रोजेक्शन में क्या करता है, एक एक थोड़ा थोड़ा डिटेल कर ही लेते हैं। बाकी इसे पढ़ने के लिए क्या करो कि अगर इफ़ यू वांट, पूरा लिख देते हैं, इफ़ यू वांट टू रिवाइज इन डिटेल, तुम्हें नहीं कुछ याद आ रहा, देन वॉच लेक्चर फ्रॉम अध्याय सीरीज, ठीक। उसमें कन्फर्मर वाला लेक्चर देख लेना एक बार ही, प्रोजेक्शन वाला बिल्कुल बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक। फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, फिशर प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं कि हम मॉलिक्यूल का टॉप व्यू ले रहे हैं, मॉलिक्यूल का क्या ले रहे हैं, टॉप व्यू ले रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं हम लोग, है ना, एक मॉलिक्यूल मैंने बना लिया, उठा लिया, ठीक। तो हमने क्या किया, अभी तक हम मॉलिक्यूल को ऐसे देख रहे थे तो हमें पूरा दिख रहा था, हम इसका टॉप व्यू देखेंगे इस तरह से। जब तुम इस तरह से इसे देखोगे, ध्यान से देखना, जब तुम इस तरह से देखोगे तो तुम्हें लगेगा दो लाइन, एक मॉलिक्यूल पूरी एक लाइन में और एक ब्लैक और ऑरेंज ऊपर नीचे दिख रहा, तो ये तुम्हें क्या लगेगा, ये स्ट्रेट लाइन लगेगी और ये ऊपर से लगेंगे, देखो चाहे कि ये एक लाइन में लग रहा है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन लग रही है, एक वर्टिकल लाइन लग रही है, तो इसमें हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक। तो इन फिशर प्रोजेक्शन होता क्या है, इन फिशर प्रोजेक्शन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये इंपॉर्टेंट बात है, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज टेकन एज वर्टिकल चेन एंड द हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन इज कैप्ट एट द टॉप।
हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स द एटम्स कमिंग टुवर्ड्स द व्यूअर एंड द वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स एटम गोइंग अवे फ्रॉम द व्यूअर। ठीक, न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या करते हैं? न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम लोग मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, दो कार्बन के एटम्स को घुमाना शुरू करते हैं। और क्या करते हैं उसके लिए, हमें दो कार्बन चाहिए होते हैं। मान लो इस तरह से ले लिया हमने, अब हम इसे क्या करेंगे, आई लाइन पे रख के देखेंगे तो हमें एक कार्बन दिखाई देगा और एक नहीं दिखाई देगा। तो जो दिखाई दे रहा है उसे हम डॉट से बना लेंगे और जो नहीं दिखाई दे रहा है उसे बड़े सर्कल से बनाएंगे। तो एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, और इसे रोटेट हम कितने भी एंगल पे कर सकते हैं, इनफाइनाइट कन्फर्मर बन सकते हैं इसके। लेकिन हम बनाएंगे कितने, जो हमारे काम वाले हैं, तो हम 60 डिग्री पे ही घुमाते हैं। और इस 60 डिग्री एंगल को हम क्या कहते हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल। ये कौन सा एंगल है? डायहेड्रल एंगल है। कौन सा एंगल है? डायहेड्रल एंगल है। तो ये इक्लिप्स फॉर्म है और एक कैसी है, स्टैगर्ड फॉर्म है। तो अगर हम ब्यूटेन के बनाने की कोशिश करें, ब्यूटेन की बनाने की कोशिश करें तो फुल्ली इक्लिप्स, मतलब जिसमें सब एक दूसरे के पीछे आ जाए, फुल्ली इक्लिप्स। फिर गॉश, गॉश में क्या होगा कि दो के बीच में, दो सेम ग्रुप के बीच में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। फिर पार्शियली इक्लिप्स, मतलब HCS3 को इक्लिप्स कर दे, इक्लिप्स मतलब ढांक दे। और फिर उसके बाद जब सब कुछ अपोजिट है एक दूसरे के, जब एक के सब कुछ क्या है, सर हाईलाइट कर देते हैं, अगर एक एक के सब कुछ अपोजिट है तो क्या करेंगे, सेम ग्रुप अपोजिट आ गया तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटी कहते हैं। फिर पार्शियली इक्लिप्स और फिर गॉश। इन जनरल जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, एंटी, फिर गॉश, फिर पार्शियली इक्लिप्स, फिर फुल्ली इक्लिप्स। लेकिन जब कभी गॉश फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एंटी से। ठीक, जैसे कि एथिलीन ग्लाइकॉल में गॉश फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, किससे, एंटी से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हॉर्स प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम तिरछा करके 60 डिग्री एंगल पर रख लेते हैं और 60 डिग्री एंगल पर रख के इसे विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं तो हॉर्स बन जाता है। ठीक, डिटेल्स वहीं पे हैं, इस प्रोजेक्शन की इतनी ज़रूरत मीन्स में नहीं पड़ेगी, एडवांस में पड़ेगी। और साइक्लो एक्शन के कन्फर्मर कौन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, चेयर सबसे ज़्यादा, फिर ट्विस्ट बोट, फिर बोट और फिर हाफ चेयर। चेयर कैसे बनाते हैं, चेयर हम लोग सिंपल चेयर, इसमें एक आदमी को लेटाल भी सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके। तो ये चेयर है, ये बोट है, नाव जैसी दिख रही है तुम्हें, है ना। ट्विस्ट बोट यानी कि बोट को पकड़ के क्या किया, रोटेट कर दिया, तो ट्विस्ट बोट। और हाफ चेयर मतलब कि अब इसे रेक्लाइनर से हाफ चेयर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, आर एस नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कैसे करते हैं, आर एस नॉमेनक्लेचर हम लोग सी आई पी रूल से करते हैं। आर एस नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, सी आई पी रूल से करते हैं। सी आई पी रूल जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था उसी को हम सी आई पी रूल कर रहे हैं। कैसे करेंगे कि अगर हमारे प्रायोरिटी क्लॉकवाइज आई, अगर प्रायोरिटी हमारी क्लॉकवाइज आई तो टुवर्ड्स राइट आएगा तो हम उसे आर कहेंगे, आर स्टैंड फॉर रेक्टस। अगर प्रायोरिटी वही हम लोग कैसे चले 1 2 3 4, अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज आया तो हम उसे कहेंगे सिनिस्टर यानी कि एस। तो हम क्या करेंगे, sp3 हाइब्रिड कार्बन पे 1 2 3 4 नंबरिंग करेंगे सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग। अगर क्लॉकवाइज चले तो आर, अगर अपोजिट आ गए तो, एंटी क्लॉकवाइज चले तो एस। ठीक, हम लोग इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, क्या हाईलाइट कर देता हूँ कि वेन एवर द वेज डैश इज गिवन देन द लोएस्ट प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी बिलो द प्लेन। लोएस्ट प्रायोरिटी को हमेशा कहाँ रखेंगे, बिलो द प्लेन रखेंगे। इफ इट इज नॉट प्रेजेंट बिलो द प्लेन देन डू द इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस एंड मेक इट ब्रिंग इट बिलो द प्लेन बिफोर नेमिंग। ठीक, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाईलाइट करी कि हम क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट करके क्या करेंगे, बिलो द प्लेन लाइन। अब जैसे जरा इसमें देखना, इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 करी, और हमेशा ध्यान रखना कि 1 से हमेशा 2 की तरफ चलेंगे, 4 को बाईपास कर देंगे। ठीक है, 4 को हम बाईपास कर सकते हैं, 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, 4 को बाईपास करते हुए। अब इसमें अगर हम नंबरिंग करें तो इसे करेंगे 1 2 3 4, तो ये कैसी आ गई, एंटी क्लॉक वाइज आई, तो ये कैसा आ गया, एस। इसमें नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो ये कैसी आई, क्लॉक वाइज आई, तो इसे हम क्या कहेंगे, आर। तो यानी कि ये क्या, इनेंशियोमर्स है। इनेंशियोमर्स में क्या होगा, अगर एक आर है तो दूसरा क्या होगा, एस होगा, और एक एस है तो दूसरा क्या होगा, आर होगा। ठीक, अब इसमें नंबरिंग करी, देखो जरा इस वाले में नंबरिंग करी, तो इसमें नंबरिंग करी 1 2 3 और 4। अब इसमें 1 2 3 4 नंबरिंग करी, इस आर को हटा देते हैं। लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे है, लोएस्ट प्रायोरिटी बिलो द प्लेन नहीं है, तो हम फर्स्ट इंटरचेंज क्या करेंगे, लोएस्ट प्रायोरिटी को बिलो द प्लेन ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे देखना जरा, CH3Cl, हम Br को यहाँ ले आए और H को यहाँ ले गए। ठीक, फिर हमने क्या किया, सेकेंड इंटरचेंज किया, दो बार इंटरचेंज करेंगे क्योंकि एक बार इंटरचेंज करने से इनेंशियोमर बन जाएंगे। Cl को ऊपर ले गए, CH3 को नीचे कर दिया, यहाँ पे Br कर दिया और यहाँ पे H कर दिया। अब इसकी नंबरिंग करी 1 2 3 4, तो ये क्लॉकवाइज किया तो ये क्या बन गया, आर।
ठीक, अगर तुम ऐसे नंबरिंग करते तो ये क्या आ जाता, ये आ जाता एस, तो ये गलत आ जाता, लेकिन इसे बनना क्या था आर। ठीक, अब इसकी नंबरिंग करो तो ये क्या आएगा, देखो 1 2 3 4, तो ये क्या आ गया, ये एस, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, इनेंशियोमर्स हैं, ये दोनों आपस में कैसे हैं, इनेंशियोमर्स हैं। ठीक, बाई डूइंग वन इंटरचेंज इन अ सिंगल काइलर कार्बन सिस्टम इनेंशियोमर्स आर ऑब्टेंड, देयरफॉर वी नीड टू डू इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज फॉर आइडेंटिकल कंपाउंड। अब नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला तो वही है, 2^ पावर सिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए क्या है, 2^ एन माइनस 1 प्लस 2^ पी माइनस 1, एन पी की वैल्यू एन बाई 2 और एन प्लस 1 बाई 2 आ जाएगी, और अनसिमेट्रिकल कार्बन के लिए 2^2n होगा। तो इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आसानी से हम लोगों ने कर लिया, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसके पी वाई क्यूज लगा लेना, ठीक है, आराम से पढ़ना हो जाएगा। और अगर इसे बहुत डिटेल में देखना है तो यार फिर अध्याय और अध्याय बैच वाले वीडियोस देख लो, आइसोमरिज्म के लास्ट वाले दो, उससे काम चल जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से, 1.5 घंटे में वो भी कवर कर देंगे, ठीक है, ऑप्टिकल के लिए विशेषकर। ठीक, चलो हम लोग मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो और लोगों तक पहुंचाओ, टेस्ट सीरीज नहीं ली तो ले लो, ऐप डाउनलोड कर लो और खूब सारा पढ़ो, कम दिन बचे हैं, ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।